नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे झाड़ू के क्वालिटी के बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप गांव में रहते हैं तो उस बिजनेस को कितने आसानी से और कितनी मतलब जीरो लागत में लगभग शुरू करके आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को केवल गाँव में ही शुरू करें तो बेहतर होगा। दोस्तों इसका जो रॉ मटेरियल है झाड़ू बनाने का, वो आसानी से गांव में मिल जाएगा आपको। जहां पे आप रहते हैं वहां अगर नहीं मिलता है तो वहां आप इस चीज का बिजनेस न करें, वरना आपको खरीद करके लाना पड़ेगा। दोस्तों जहां पर इसका मतलब उपज होता है, जहां पे ये बोया नहीं जाता, ये अपने आप जमता है, वहां से इसको आसानी से काट करके आप इसको झाड़ू बनाकर बेच सकते हैं। दोस्तों इसका मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ये सांस्कृतिक चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है, हमारे कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिस झाड़ू के बारे में आपको लाइव दिखाऊंगा, उस झाड़ू से अगर घर की सफाई की जाती है तो उससे घर के साथ सफाई के साथ जो घर के दुख कष्ट होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। जी हमारे ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं, और ऐसा हमारे समझ लिए कि उस झाड़ू का जो मटेरियल है उसको शास्त्रों में भी वर्णन किया गया, रामायण में पूरी तरह से उसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों तो लाइव चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उस झाड़ू को किस तरह से बनाया गया है, और आप भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास इसका जो मटेरियल है, अगर मटेरियल का कहने का मतलब अगर आपके पास वो जगह है, उस जगह पे अगर आपके पास है तो वहाँ आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए कि ये कुश की झाड़ू है, कुश की झाड़ू है, इसे कुश का झाड़ू कहा जाता है। और आपको पता है कि कुश के बारे में हमारे शास्त्रों में, हमारे जो रामायण ग्रंथ है उसमें क्या बताया गया है, कितना मतलब इसको शुभ माना जाता है। और दोस्तों इस एक तरह से जो एक कुश की झाड़ू होती है, आप देख सकते हैं कि ये एक जगह से 5-6 झाड़ू में पैक करके रखा हुआ है। दोस्तों हमारे ग्रंथों में तो इसकी बात की ही जाती है, मतलब मान्यता भी है कि कुश की झाड़ू से अगर घर की सफाई की जाती है तो घर के कूड़ा के साथ साथ घर की दुख, जो दरिद्रता होती है, दुख होता है, वो भी साथ साथ चला जाता है, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों आप जरूर समझ गए होंगे कि अगर एक तरीका है जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ अगर इस प्रकार का अगर कुश से संबंधित अगर आपको दिखाया जाता है तो दोस्तों वहाँ पे एक बहुत बड़ा आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये ज़्यादातर बलुई मिट्टी में ये उगता है, और दोस्तों वहाँ से लोग काटते हैं, काट करके लाते हैं, और दोस्तों इसको आप देख ही सकते हैं किस प्रकार के, इससे केवल यही नहीं अनेकों प्रकार के काम के, इधर रस्सी भी बनाए जाते हैं, तो जरूरी नहीं है झाड़ू भी बनाए जाते, लेकिन मैंने झाड़ू के बिजनेस के बारे में बताया तो इससे झाड़ू भी बनाया जाता है, और गांव में इसका डिमांड भी है। तो दोस्तों ये रहा पहला, और गाँव के लिए एक और मतलब बेहतर जो झाड़ू बनाने का रॉ मटेरियल है, जिसका नाम है बांस की झाड़ू। दोस्तों बांस की झाड़ू भी एक ऐसा झाड़ू है कि वो भी काफ़ी दिनों तक टिकाऊ रहता है। दोस्तों इस झाड़ू की बात की जाए, बांस की झाड़ू की, तो दोस्तों आप आसानी से बांस की खेती करके, उसका कोई खेती करना नहीं होता एक तरह से, मतलब यहाँ पे कोई फसल नहीं होता है, ऐसा ज़मीन है, ऊटपटांग ज़मीन है, ऊंचा गड्ढा है या ऊंचा ज़मीन है, मतलब समतल ज़मीन नहीं है जहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते हैं। दोस्तों वहाँ पे बांस अगर आप लगा देते हैं तो आसानी से थोड़ा भी जगह में लगा देते हैं, मतलब 20x20 वर्ग फुट में अगर आप लगा देते हैं तो भी दोस्तों आप वहाँ आसानी से बांस तैयार करके, और बांस इतना जल्दी तैयार नहीं होता है, तो दोस्तों अगर आप इसका बिजनेस करना है तो बांस तैयार नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अगर ज़मीन है तो बांस लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बांस खरीद करके जब तक तैयार नहीं होता तब तक आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। जब खुद का अगर आपका रॉ मटेरियल तैयार होने लगेगा तो भी आप इसका बिजनेस, और मतलब कम लागत में ज़्यादा कमाई के चांस हो जाएंगे, तो आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों गांव में यही सब ज़्यादातर बांस की झाड़ू, कुश की झाड़ू, यही ज़्यादातर गांव में रॉ मटेरियल मिलता है बिजनेस करने के लिए, झाड़ू की बात अगर की जाए तो। दोस्तों बाकी अनेकों प्रकार की झाड़ू जो है वो मार्केट में हैं, लोग उसका भी खरीद रहे हैं, उसको भी खरीद रहे हैं, और ये जो झाड़ू है इसको भी लोग खरीद रहे हैं, लेकिन दोस्तों बिजनेस के लिहाज से बांस की झाड़ू ज़्यादातर गाँव के लिए, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर मिट्टी का जगह ज़्यादा होता है, क्योंकि खेती जहाँ पे रहता है वहाँ मिट्टी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए झाड़ू की बात अगर की जाए तो एक तरह से देखा जाए तो झाड़ू बांस की गांव में ज़्यादा चलती है, इसका डिमांड ज़्यादा रहता है बांस की झाड़ू की।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इन दो अगर झाड़ू के बिजनेस के बारे में समझे होंगे तो आप इसका बिजनेस जरूर करेंगे। अब रह गई बात एक बात और कि इसका बिजनेस कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आपके पास रॉ मटेरियल है तो आप इसको बनाकर हाथों से भी बनाकर बेच सकते हैं। दोस्तों इसका मशीन भी आता है, उस मशीन में भी झाड़ू का जो छोटा 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 पतला पतला जो लंबा लंबा एक पीस होता है, एक टुकड़ा होता है दोस्तों, उससे भी मशीन से भी तैयार कर सकते हैं। मशीनों में भी दो प्रकार की मशीनें आती है, एक मैनुअल एक ऑटोमेटिक। तो दोस्तों उसमें भी आप समझ लीजिए कि अगर बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन छोटे मोटे स्तर पर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप अपने हाथों से ही बना करके इसको बेच सकते हैं, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। दोस्तों गाँव के लिए बहुत ही एक छोटा सा और एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन आपके अगर आपको सबसे बड़ी बात होती है, आपको अगर ये बिजनेस लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तभी आप इस बिजनेस को करें। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हमारा जो एक ब्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम बीके पुराना है, दोस्तों वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो चले वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।